अगर आपके घर में गंदगी रहती है तो आपके यहां पितृदोष पैदा होगा। क्यों? प्रेतों को गंदगी पसंद है, फिर आप ही के घर के नहीं दूसरे भी आ जाएंगे वहां। पिंड अगर आटे का पिंड अगर आपका छूट रहा है रात्रि में तो वो प्रेतों को आकर्षित करेगा, क्योंकि पिंड से उनको लगता है इनसे मुक्ति मिल जाए। वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो अच्छा है, वो बेचारे परेशान है, अरे पिंड, क्योंकि पिंड से ही उनको मालूम है यही फॉर्मूला है हमारी, मगर वो पिंड आटे का है और वो आटा फिर आप यूज करोगे। अगर आपके लिविंग रूम में अस्त व्यस्तता है तो प्रेत आएंगे। अगर आपके वॉशरूम बाथरूम वगैरह साफ सुथरे नहीं रहते तो वो आएंगे। अगर आपके यहां भंगार कबाड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा है तो स्थिति बनेगी। और ये आप पढ़िए गरुड़ पुराण में, एक एक बारीक बारीक चीज लिखी है। जिनके घर में सामान बिखरा पड़ा रहता है, कपड़ा कहीं पड़ा है, टॉवल कहीं पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, वहां प्रेत आएंगे। जिनके यहां निरंतर गंदगी है, और अगर अगर रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं तो वो प्रेतों को आकर्षित करते हैं, वो तो शाम को रात वाले तो पड़े ही हैं। प्रातः काल की बेला में जहां झाड़ू नहीं होती ऐसे अनेकों कारण हैं जो पितरों को आकर्षित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में परेशानियां होती हैं। जहां भोजन शुद्ध नहीं है वहां आएंगे, आते हैं, और धीमे धीमे यही पितृदोष का कारण बनता है। पितृदोष जब पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उतरता है तो उसका पहला टारगेट होता है बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा मतलब, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को पितृदोष है, उसको जो पहला पुत्र होगा वो उस पर उतरेगा। कभी कभी सबसे छोटे पर भी उतरता है। और सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है, आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं, जो समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है इन सब चीजों से, पितृदोष आदि से? जो बहुत एक्टिव होता है और जो बहुत सेंसिटिव होता है। जो व्यक्ति बहुत घर में बहुत एक्टिव हो, सेंसिटिव हो, सबका ख्याल रखने वाला हो, वो सबसे ज्यादा परेशान होगा इससे। आप कहोगे बेचारे इसने क्या बिगाड़ा। अब चलो एक उदाहरण देते हैं आपकी भाषा में। आपके घर में चार बच्चे हैं, एक वो है जो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, उससे कुछ कहो तो इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, तो उससे फिर घर वाले कहना और पूछना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो सबके काम करता है, बेटा जल ले आना, वो गया जल ले आ, बेटा रोटी परस दे, हाँ रोटी परस दे, बेटा मेरे कपड़े लाना, लाओ मैं ले आ, पापा की गाड़ी, हाँ मैं साफ कर देता हूं। तो थोड़े थोड़े समय के बाद क्या होगा, आप जो भी बात कहोगे किससे कहोगे, उसी से कहोगे और किसी से नहीं कहोगे। ऐसे ही प्रेत आपके पितर ये देखते हैं कि कौन कर सकता है, जो मठ है उसके पास नहीं जाते, जो एक्टिव है जो कर सकता है वो उसी के पास, इसलिए वो परेशान मिलेगा आपको। और अगर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपसपत्नीक जाकर कोशिश करे इस 15 दिन के पूरे अनुष्ठान को पूर्ण भाव से कर ले, मैं लिख के दे सकता हूं कि उसके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी, सारी आदि व्याधि जीवन की मिट जाएंगी, सारी आदि व्याधि, और उनके साथ उसके सारे के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो पिंडदान भी कर रहा है वहां और साथ में श्रीमद् भागवत कथा भी अपने पितरों को चौकी पे बैठा के करा रहा है। तो एक ही बार में निवृत्ति का सबसे बड़ा साधन ये है।